अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुश आमदीद। मेरा नाम अमीर है और आज हम आपके लिए लाए हैं एसेंशियल फोन का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा आज का डिवाइस हमें iShopping.pk ने रिव्यू के लिए भेजा है और अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एसेंशियल फोन को बनाने वाला एंडी रूबिन है जो कि एंड्रॉयड का मेन क्रिएटर है। एंड्रॉयड का नाम भी एंडी रूबिन के नाम से आया है और एसेंशियल फोन का बुनियादी मकसद इसके नाम से वाजे है कि यूजर्स को एक ऐसा फोन दें जिसमें वो सारी चीजें हों जो कि एसेंशियल यानी बहुत जरूरी हैं। हाल ही में एसेंशियल फोन की प्राइस $700 से $500 कर दी गई है और इस वजह से इस फोन का पूरा एनालिसिस बदल चुका है। तो क्या एसेंशियल फोन आपके लिए है, आइए देखते हैं। एसेंशियल का सबसे स्ट्राइकिंग और डिफाइनिंग फीचर है इसका डिस्प्ले। ये डिस्प्ले तकरीबन एच टू एच है जिसमें थोड़ा सा बॉटम बेजल है, साइड बेजल्स बिल्कुल नहीं है और टॉप बेजल तकरीबन ना होने के बराबर है। बस एक छोटे से टीके जैसा कैमरा का नॉच है जो पहली बार देखने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस डिस्प्ले का ओवरऑल लुक मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैं बहुत जल्दी इस नॉच से यूज टू हो गया। एसेंशियल फोन में एक 5.7 इंच क्वाड एचडी आईपीएस एलसीडी पैनल है जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि अब फ्लैगशिप लेवल के फोन में लोग ओलेड पैनल्स एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले की शार्पनेस तो बहुत अच्छी है लेकिन मैक्सिमम ब्राइटनेस 500 निट्स पे थोड़ी कम है। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे जो कि इस फोन का एक यूनिक पॉइंट है। फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 है, पीछे शाइनी सिरेमिक है और साइडों पे एल्यूमिनियम नहीं, स्टेनलेस स्टील भी नहीं बल्कि टाइटेनियम का यूनिबॉडी इंक्लोजर है। टाइटेनियम और सिरेमिक का ये कॉम्बिनेशन पायदारी के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ इस फोन में एक और भी यूनिक चीज ये है कि इस फोन पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, एक भी लोगो नहीं है और ये चीज हमने किसी और फोन में अभी तक नहीं देखी। एसेंशियल फोन में IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है जिसका मतलब है कि ये फोन सिर्फ माइनर स्प्लैशेस बर्दाश्त कर सकता है और आप इस फोन को पानी में सबमर्ज नहीं कर सकते। मेरे नजदीक ये भी एक एसेंशियल फीचर है कि थोड़ा पानी इस पे गिर जाए या बारिश हो जाए तो ये फोन बर्दाश्त कर लेगा और मैंने अभी तक अपने फोन के साथ नहाना या स्विमिंग करना नहीं शुरू किया। IP68 बेहतर होता लेकिन IP54 से भी गुजारा हो जाएगा। पीछे कोई कैमरा बम्प नहीं है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफी शैलो है। इसके साथ साथ एसेंशियल फोन पे जो ये पिन्स हैं उनसे आप एक 360 डिग्री कैमरा मैग्नेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरे ख्याल में एसेंशियल फोन की बिल्ड क्वालिटी लेवल की है। फोन पे कोई ब्रांडिंग ना होना मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इससे फोन को एक स्टेल्थी ब्लैक लुक आता है और साथ साथ फोन बहुत यूनिक भी लगता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। एसेंशियल फोन में स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ में है अड्रीनो 540 GPU, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज। फोन में कोई ड्यूल सिम सपोर्ट या स्टोरेज एक्सपेंडेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल में इस प्राइस पॉइंट पे ये चीजें एसेंशियल यानी जरूरी हैं क्योंकि कंपेटिटर फोन्स जैसे कि हुआवे मी 6 ये ऑप्शंस ऑफर करते हैं, लेकिन डेली यूज सिनेरियो में 128GB स्टोरेज मेरे लिए काफी है। साथ में है 4GB रैम जो कि ज्यादा तो नहीं बोली जाए, खासकर मी 6 के 6GB और वन प्लस 5 के 8GB के सामने, लेकिन एवरीडे यूज में सही है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो सेंसर की प्लेसमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी और यूज करने में सबसे तेज तो नहीं लेकिन तकरीबन हमेशा सही रीड करता था। हेडफोन जैक की बात करें तो एसेंशियल फोन में वो है ही नहीं। एक चीज जो इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करती है वो है इसका स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। इस फोन की सिम बहुत ही लाइट और तकरीबन स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से एप्स बहुत तेज और स्मूथली खुलती हैं और मेरे यूसेज में कोई लैग नहीं है। कैमरा की बात करें तो एसेंशियल फोन के आगे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और पीछे एक ड्यूल कैमरा सेटअप है जिसमें 13 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स हैं जिनमें से एक मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है और दूसरा कलर सेंसर है। ये दोनों सेंसर साथ काम करते हैं और इमेज को मर्ज करते हैं जिससे कैमरा की डायनामिक रेंज में इजाफा हो जाता है। फोन में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग है लेकिन साथ में कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। मेरे ख्याल में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फोन कैमरास में एसेंशियल है क्योंकि फोन से आप ज्यादातर चलते फिरते वीडियोस लेते हैं और फोन्स लो लाइट में भी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन से इन दोनों चीजों में परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। इस फोन का कैमरा इसका सबसे वीक फीचर है। इसका सबसे बड़ा इशू है शटर लैग। मेरे पास जब ये फोन आया तो इसमें काफी अपडेट्स आ चुके थे लेकिन फिर भी शटर लैग बहुत ज्यादा है, यानी कि जब मैं पिक्चर खींचने के लिए बटन टैप करता हूँ तो आधे या एक सेकंड बाद पिक्चर खींचती है। डायनामिक रेंज अच्छी है लेकिन पिक्चर्स बहुत शार्प नहीं होती और शटर लैग की वजह से अक्सर आउट ऑफ फोकस भी हो जाती है। लेकिन इस फोन के प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल में किसी फोन का भी कैमरा बहुत अच्छा नहीं है। वन प्लस 5 का भी कैमरा ही उसका वीक पॉइंट था। एसेंशियल फोन में 3040 mAh की बैटरी है और फोन फास्ट चार्जिंग केपेबल है और 3 amp के चार्जर के साथ शिप होता है जो कि बहुत अच्छी बात है। फोन नॉर्मल यूसेज में एक दिन निकाल लेता है लेकिन जैसे ही आप वीडियोस देखना शुरू करते हैं या गेम्स खेलना शुरू करते हैं, क्वाड एचडी आईपीएस एलसीडी पैनल होने की वजह से बैटरी बहुत जल्दी गिरती है। साथ में कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है लेकिन मेरे नजदीक वायरलेस चार्जिंग इस वक्त एसेंशियल नहीं है, लेकिन आगे जाके हो जाएगी क्योंकि एप्पल भी इस गेम में कूद पड़ा है। जहां पहले ये फोन प्रीमियम फ्लैगशिप से कम्पीट करता था, प्राइस कम करने की वजह से अचानक से ये फोन मी 6 और वन प्लस 5 की टेरिटरी में आ गया है।
और इस लेवल में मेरे हिसाब से एसेंशियल फोन एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है। टॉप नॉच स्पेक्स के साथ साथ ये फोन दिखने में बहुत खूबसूरत है और हाथ में उठाने में भी बहुत ही सॉलिड फील होता है। अगर आप इसके कैमरा की डाउनसाइड्स इग्नोर कर सकते हैं तो ये फोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। OnePlus 5 और Mi 6 के मुकाबले में ये फोन थोड़ा ज्यादा महंगा है, लेकिन मेरे मुताबिक ओवरऑल एक बेहतर ऑप्शन है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।